अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप समझिएगा सब ठीक ठाक होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल सो यू ऑल लाइक माय लास्ट वीडियो जो कि हाइब्रिड प्रोडक्ट के बारे में थी सो आई थॉट के माई नॉट मेक वन मोर बिकॉज मेरी जो वैनिटी है ना वो फुल है इस तरह की चीजों से जिन चीजों ने धूम मचाई होती थी इंस्टा पे और टिकटॉक पे और हर जगह ऑलमोस्ट हर जगह बट uh, अब मैं जो है वो समझ चुकी हूं कि हमें जो है अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए और देन हमें वो चीज़ बाय करनी चाहिए मैं अब ज्यादातर क्या करती हूँ कि मैं यूट्यूब से सर्च करती हूँ रिव्यूज और जो मेरे जो मेरे ट्रस्टेड ब्लॉग यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोज का मैं कंपैरिजन करती हूँ और देन फिर मैं वो चीज सोचती हूँ मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो अब मैं काफी समझदार हो गई इस मामले में तो चले हम अपना ना अब जो है हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं ओके तो हाईब्रेड प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे है मेकअप रेवल्यूशन का लग्जरी बेकिंग पाउडर जो कि बहुत हाईब्रेड प्रोडक्ट है और इसका हम इसको डिफरेंट हम कैसे वीडियो को करेंगे हम इसका करेंगे फेस ऑफ विद नॉट सो हाईब्रेड प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो मेकअप रेवल्यूशन का बेक एंड ब्लॉट ठीक है ये कोई इतनी इसकी हाइप नहीं है uh, मैंने बहुत कम देखा है इसको यूज करते हुए बट जो ये प्रोडक्ट है ना इसकी बहुत धूम मचाई हुई थी सबने बहुत ज्यादा सो so, हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट है मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बेकिंग पाउडर वेरी हाई प्रोडक्ट और दूसरी तरफ है हमारे पास रेवोल्यूशन का बेक एंड ब्लोड नॉट सो हाई प्रोडक्ट ठीक है नंबर वन तो नंबर टू पे हम बात करेंगे इनकी प्राइसेस की तो जो सबसे पहले हमारे पास जो ये रेवोल्यूशन का जो बेकिंग पाउडर है लूज लूज पाउडर जो है ये uh, मैंने ऑफ में बाई किया था अराउंड एटीन हंड्रेड समथिंग का ठीक है अब तो प्राइजेस और इंक्रीज हो गई हैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ओरिजिनल प्राइजेस uh, जो है वो मिल जाएंगे बट मैंने इसको ऑफ में बाई किया था एटीन हंड्रेड समथिंग का और इस वाले को मैंने बेक एंड ब्लोड कॉम्पैक्ट पाउडर को मैंने बाय किया था थाउजेंड के करीब करीब और ये भी मैंने ऑफ में ही बाय किया था ठीक है तो प्राइस के लिहाज से तो फिर बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है ये पॉकेट uh, फ्रेंडली है काफी एज कम्पेयर टू दर व थ्री अब हम देखेंगे इनका टेक्सचर दोनों का लूज पाउडर का भी और कॉम्पैक्ट का भी पहले मैंने यहाँ पे लूज पाउडर खोला है अच्छा अब इसका जो शेड है ना वो बनाना है मैंने ऑडर मैंने ट्रांसमोशन ठीक किया था बट उन्होंने मुझे बनाना भेज दिया और जो रिटर्निंग का जो प्रोसीजर था ना वो कोई इतना स्मूद नहीं था सो आई थोट के रहने ही दो अच्छा मैं अच्छा, इसको ना आपको हाथ पे लगा कर तो भी दिखाती हूँ इसकी कवरेज है ठीक है इसकी ना मीडियम कवरेज है इस लूज पाउडर की बनाना शेड की, की और ये देख रहे हैं आप ठीक है अच्छा अब ये है कि इसका जो स्पोच है वो है तो स्मूथ टेक्सचर स्मूथ है बहुत ज्यादा बट जो ये रह जाता है ठीक है ये कास्ट छोड़ता है और अब दूसरी तरफ है हमारे पास ट्रांसलूसेंट जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसका आप देख रहे हैं स्पेच कितना स्मूद है और बिल्कुल इनविजिबल है बल्कि ये मैं साथ साथ आपको टिप भी देना चाहूंगी कि अगर आपकी क्रिसिंग बहुत ज्यादा है तो आप कोशिश कीजिए या आपके फाइनलाइंस भी ज्यादा हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रांसलूसेंट पाउडर्स यूज करें क्योंकि उनकी कवरेज बिल्कुल भी नहीं होती और वो जो है ना हमारे टेक्सचर को इनहेंस फिर नहीं करते हैं ठीक है तो टेक्सचर जो है ना उसके लिए हाथ से भी जो ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है ना उसका टेक्सचर बहुत स्मूद है बहुत ही अच्छा स्वाच भी इसका बहुत अच्छा और ये व्हाइट कास्ट वगैरह भी कुछ भी नहीं छोड़ता अब बरिया है मेन पॉइंट की कि के जो तमाम पाउडर्स क्लेम करते हैं वही क्लेम जो ये दोनों पाउडर्स भी करते हैं कि ये मेकअप को हमारे लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं और हमारे मेकअप को सेट करते हैं देर तक और हमारे अंडर आई को भी ये बिल्कुल मतलब आउट क्लास कर देते हैं ठीक है तो हम पहले बात करते हैं अब अब हम परफॉर्मेंस के लिहासिन इनको नंबर देंगे ठीक है तो जो ये है कॉम्पैक्ट पाउडर है और हमारे पास है लूज पाउडर ठीक है वैसे तो लूज पाउडर ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं इन चीजों पर बट दिस पाउडर लिटरली डज नथिंग इट लिटरली डिस मी मतलब वेरी बैड मेरे पैसे डबो दिए इसने पकड़ के ये बहुत भी हाथ है ना एक घंटे के अंदर अंदर बस ये खत्म हो जाता है और क्रीसिंग स्टार्ट हो जाती है और आ, कवरेज भी देता है टेक्सचर को भी इनहेंस करता है और करता भी कुछ नहीं वाकई में इस प्रोडक्ट ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया एज कम्पेयर टू द अदर वन द चीपर वन ये जो प्रोडक्ट ना ये आउट क्लास है मैंने इसको यूज किया है लाहौर की गर्मी में ठीक है ईद पे कितनी गर्मी थी मैंने यूज किया और ये बहुत अच्छे से ना अंडराय को सेट कर देती है और एट टू टेन आवर्स के लिए जो है उसको रखती है उसकी जगह पे और ये क्लेम क्या करते हैं कि ये बेक भी करते हैं और ब्लॉड भी करते हैं और वॉकिंग में ये जो प्रोडक्ट है ना ये स्वेटिंग को भी आने से रोकती है इट इट प्रोडक्ट लिटरली डर्स दिस प्रोडक्ट लिटरली डर्स मैं इसकी ना बट थम्स अप है इसको इसको मैं नंबर दूंगी टेन आउट ऑफ नाइन आउट ऑफ टेन और दूसरी वाली है उसको मैं दूंगी फाइव आउट ऑफ टेन ये है ना ये वाकई में बहुत अच्छी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है ये और ये मेरी जो स्किन है ना उस पर सूट भी बहुत अच्छे से किया आपको इसकी हालत भी नजर आ रही है कि मैंने इसको कितना यूज किया इन दोनों प्रोडक्ट्स को ना मैंने मोर देन Uh, मतलब वन एंड हाफ ईयर यूज किया या आप कह लें मोर देन वन ईयर यूज किया इसलिए आई थॉट कि मैं इसका जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू अब दे सकती हूँ तो विनर तो हमारा हमें मिल चुका है तो अब हम देखेंगे कि अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे जो है यूजफुल बनाया जाहिर है मैंने पैसे लगाए थे तो मेरे तो पैसे अब मैंने किसी ना किसी तरह से इस प्रोडक्ट को वर्कआउट करना था कि थोड़ा बहुत कुछ कर सके तो मैंने स्टार्ट की मिक्सिंग मिक्सिंग uh, का जो प्रोसीजर है ना मैंने उसको स्टार्ट किया और मैंने इसको मिक्स किया इस एपीके के लूज पाउडर के साथ जो लिटरली थ्री हंड्रेड रुपीज का था और बहुत आउटलास्ट मतलब जो बनाना पाउडर है ना उसे कहीं गुना ज्यादा ही ये काम करता है बहुत अच्छा काम है। तो करता, करता है तो मैंने इसको करता है तो फिर मैंने इसको इसके साथ मिक्स किया और थोड़ा बहुत जो है इस बनाना पाउडर को भी मैंने uh, काम करने के काबिल बना लिया अब मैं क्या करती हूँ इसको अम, um, मैं जो है ना इसकी कैप में थोड़ा सा मैं इसको ले लेती हूँ एपी के वाला लूज पाउडर ले लेती ले 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 हूँ इसका शेड नंबर टू है और ये शेड जो है ना इस वाले से थोड़ा सा लाइट भी है तो ये फिर मेरे स्किन का शेड भी अच्छा बन जाता है ये थोड़ा सा बनाना पाउडर है ना वो थोड़ा सा डार्क है येलो स्टोन में और इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ इसको कैप में मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ ब्रश की हेल्प से ना मैं अंडर आई को सेट कर लेती हूँ और ये मेरा फिर जो है ना थोड़ा बहुत काम में आ जाता है ये इसका टेक्सचर भी आप देख ले पहले वाला जो था वो थोड़ा सा स्टेन टेक्सचर लग रहा था और ये अब वाला जो टेक्सचर uh, है स्मूथ हो गया टेक्सचर भी इसका चेंज हो गया सो एट लास्ट वी हैव द स्टार ऑफ द शो जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का बेक एंड रेप पाउडर और um, हमने कुछ सीखी टिप्स और ट्रिक्स uh, कोई अगर आपकी प्रोडक्ट काम नहीं कर का रही तो थोड़ा बहुत उसको मिक्स एंड मैच कीजिए ताकि वो थोड़ा बहुत आपके मतलब यूजफुल हो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो जाए आपकी चीज ठीक है सो आई होप यू लाइक द वीडियो यू लाइक द रिव्यू इफ यू लाइक इट गिविट अ थम्स अप हिट द बेल सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन तक आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले मिलेगी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिल देंटे के हाफीज